हेलो ऑल। अभी बहुत सारे लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आने की वजह से मैं आपको बता दूंगा आज कि MPLAB XIDE सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। उसके साथ सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं रहता है, तो कैसे उसको भी इंस्टॉल करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है MPLAB XIDE के साथ, जो XE8 का 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर का सी लैंग्वेज मतलब एम्बेडेड सी के लिए काम में आने वाला जो क्रॉस कंपाइलर है वो कैसे डाउनलोड करते हैं देखते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, पहला MPLAB XIDE हम लोग कोई भी सर्च इंजिन पे MPLAB XIDE करके सर्च करेंगे और यहाँ पे पहला जो सर्च रिजल्ट में MPLAB माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी का वेबसाइट आ रहा है उस पे जाएंगे। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड्स का सेक्शन है। सो डाउनलोड के सेक्शन के अंदर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज है, लिनक्स है या मैक है, तो उसके हिसाब से आपको आपका आईडी डाउनलोड करना है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो MPLAB XIDE अभी का लेटेस्ट आज के डेट का वर्जन है वर्जन 5.10। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे डाउनलोडिंग चालू हो चुका है। फिलहाल मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल भी किया है, तो आई विल कैंसिल दिस आउट, आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा आपको लगता है कि इसके अलावा आपको जरूरत है MPLAB XE8, ठीक है, XE8 डाउनलोड करना है विच इज क्रॉस कंपाइलर फॉर सी लैंग्वेज बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम। तो XE8 करके आप गूगल पे वापस सर्च करोगे तो वैसे ही MPLAB XE कंपाइलर्स दिखा रहा है यहाँ पे। वापस स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे MPLAB XE8, अगर आपका 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है तो XE8 कंपाइलर है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड करने के लिए क्लिक कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आपका हायर 16 बिट कंपाइलर है रिक्वायर्ड है तो 16 बिट के लिए भी जा सकते हैं और 32 बिट के लिए भी। फिलहाल हम लोग 8 बिट पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ से आपका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। तो इसके बाद वाला वीडियो जो है रहेगा मेरा, तो वो सिंपल हम लोग देखेंगे कि कैसे इस XIDE को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। फिलहाल यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कि कहाँ से डाउनलोड करना है और इंस्टॉलेशन है उसके लिए हम लोगों ने फाइल्स तो डाउनलोड करके ले लिए। अभी करना है एक ही है कि जो भी इंस्टॉलेशन है वो प्रोसीजर। सो ये दो फाइल्स हम लोगों ने डाउनलोड करके ले लिए, तो MPLAB X वर्जन 5.10 हम लोग इसको सेटअप कर लेंगे। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, डबल क्लिक करना है। ये यूजुअली थोड़ा सा टाइम ले लेता है क्योंकि अनपैकिंग करना पड़ता है इसको और फिर इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो ऑप्शंस पूछना चालू करता है कि क्लिक नेक्स्ट। आपको लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं और आई कैन एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड देन क्लिक नेक्स्ट। हाँ, सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स, बाकी तो ये वैसे भी लोकेशन वगैरह ले लेगा। एंड यस आई चूज कीप दिस एज इट इज एंड क्लिक नेक्स्ट टू बिगिन द इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन होने के लिए 1-2 से 3 मिनट लेता है टाइम, तो यू कैन वेट। एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों का इंस्टॉलेशन खत्म हो रहा है। सो ये आखिरी इस पे पहुँच चुका है, तो ये पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेगा। जैसे आप ये देखोगे तो ये बता रहा है कि XE कंपाइलर इज नॉट इंस्टॉल्ड इन विद IDE। अगर करना है तो आप ये लोकेशन पे जा सकते हो और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते। हम लोगों ने ये प्रोसीजर पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग को यहाँ पे जाना नहीं है। तो हम लोगों ने टिक मार्क निकाल लिए, विल फिनिश इट अप। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो MPLAB XIP और IDE ये दोनों तैयार हो चुके हैं। तो अगर आप IP बोलते हो तो IP इज फॉर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट एंड ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो इसमें अगर हम लोग एक पहला एक्सपेरिमेंट जो जिस हिसाब से किया था हम लोगों ने, अगर उसी हिसाब से हम लोग उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने XE8 अभी तो इंस्टॉल नहीं किया हुआ है।
तो ये दोनों दिखा दूंगा कि पहले इंस्टॉलेशन के बाद और इंस्टॉलेशन से पहले, तो वहाँ पे क्या दिखाता है। तो ये अभी फिलहाल सिर्फ आपको असेंबली लैंग्वेज का जो असेंबलर है उसका सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाएगा सिलेक्शन के वक्त, और XE8 का जो क्रॉस कंपाइलर का है वो नहीं दिखाएगा क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ये इंस्टॉल ही नहीं किया है। तो उसके इंस्टॉलेशन का फाइल बोल दूंगा, न्यू प्रोजेक्ट बोल दूंगा और एग्जिस्टिंग इस पे जाएंगे। सो विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ पे पिक 16F877 ए पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट सिमुलेटर चूज कर लेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे XE8 नहीं हुआ है, तो यू कैन क्लिक हियर डायरेक्टली डाउनलोड लेटेस्ट, या हम लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ जो है उसको रन करके हम लोग, दोनों तरीके से चलेगा। सो यहाँ पे फिलहाल मैं कैंसिल बोल देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ एंड देन हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे इसका इंस्टॉलेशन। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो XE8 2.05 वर्जन हम लोगों का ऑलरेडी हम लोगों ने डाउनलोड किया है, उसको इंस्टॉल करेंगे। सो इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ डबल क्लिक करना है, द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर विल स्टार्ट। तो इसी के साथ प्रोसीजर चालू हो जाएगी और ये क्रॉस कंपाइलर, सो ये बोलता है, बोल रहा है कि रन करना है कि नहीं करना है, ये विंडोज स्क्रीन टेस्ट कर लेता है पूरा कि कहीं पे वायरस का वगैरह तो नहीं ना इशू। सो हम लोगों का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर चालू हुआ है, तो क्लिक नेक्स्ट। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इफ यू विश यू कैन एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है वो फ्री वर्जन है वही हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। डायरेक्टरी कौन सा यूज करना है वो पूछ रहा है, यूज डिफॉल्ट डायरेक्टरी, एड पाथ टू एनवायरमेंट वेरिएबल भी बोल दो तो इससे बेहतर रहता है। नेक्स्ट एंड इट बिगिंस योर इंस्टॉलेशन। सो क्लिक नेक्स्ट करोगे तो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। आगे सिर्फ ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक्टिवेशन की वगैरह है तो क्लिक नेक्स्ट। एज हम लोग फ्री वर्जन ही इंस्टॉल किए हैं तो नीड नॉट रिक्वायर, अपना हम लोगों को कुछ लगेगा नहीं। तो हम लोग अभी वापस से इसको ओपन करके देखेंगे XID, जैसे ही XID और ओपन हो जाएगा और उसमें हम लोग नया प्रोजेक्ट करके देखेंगे, उस नए प्रोजेक्ट में आपको दिखेगा कि जब हम लोग ऑप्शन देख रहे थे कंपाइलर और असेंबलर का तो उसमें XE8 इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपल सी बात करनी है, न्यू प्रोजेक्ट बोल देना है, तो क्लिक नेक्स्ट, डिवाइस चूज करना है, पिक 16F877, ठीक है। सो क्लिक नेक्स्ट, सिमुलेटर यूज करना है तो सिमुलेटर पे क्लिक करो। और यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो यहाँ पे असेंबलर भी है और सी का कंपाइलर भी है, तो दोनों भी अवेलेबल है, तो यू कैन यूज बोथ ऑफ देम। तो यही सिंपल सी प्रोसीजर है जिससे आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर दिस।